प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों को सलाम और तमाम देखने वालों को यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री में मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया है ताकि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर हम बात कर सकें और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखें, समझें, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। और आज हम स्केप्टिस क्वेश्चनों में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल जो स्केप्टिक लोग बाइबल मुकद्दस में से उठाते हैं। और ये सवाल बताने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ईमान के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इसी सवाल पर हुई थी और किसी पास्टर से इसी सवाल पर जिस पर अभी हम बात करने को हैं ये सवाल पूछा गया, तो उन पास्टर साहब ने कहा कि मैं इस सवाल के बारे में नहीं जानता, मेरे इलम में नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बाद में जवाब आपको इसका दे सकता हूँ इस सवाल का, लेकिन अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन मैं बाद में आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैंने जब ये सुना तो मुझे ये सुनकर बात बहुत अच्छी लगी उनके ईमान की, कि यहाँ तक कि उन्होंने जब आज तक या अभी तक इसकी जांच पड़ताल नहीं की थी तो उनको नहीं पता, लेकिन फिर भी उनका ईमान है जितना उन्होंने जाना उतने में ही वो खुश हैं कि और उन्होंने ये जाना कि मेरा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई भी किसी किस्म की कंट्रोडक्शन नहीं है। जब क्योंकि उन्होंने इसलिए जाना क्योंकि जब उन्होंने नहीं अभी कुछ जाना था तो उस जानने से पहले उन्होंने जब ये जाना कि मैंने कुछ नहीं जानता, लेकिन जब उन्होंने बाइबल को जाना तो फिर उनके मन में पहले से ही बाइबल को जानने से पहले उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा तो उनके सवाल दूर हो गए, लेकिन फिर जब उन्होंने जितना जाना तो फिर उन्होंने समझा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई भी कंट्रोडक्शन नहीं है। लेकिन अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे कि आपको इस सवाल का जवाब दे सकें, लेकिन हम देंगे ज़रूर क्योंकि हमें पता है, हमारा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कंट्रोडक्शन नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, तो अभी मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि उस सवाल के जवाब का देने का ताकि आप सब लोग भी जान सकें। और चलते हैं अपने सवाल की ओर। और ये जो सवाल उठाया जाता है मत्ती की अंजील बाप नंबर 26 आयत नंबर 57, फिर उसके बाद यूहन्ना की अंजील बाप नंबर 18 और उसके बाद आयत नंबर 19 और 24। और सवाल ये उठाया जाता है कि यीशु मसीह को जब बागे गतसमनी के अंदर गिरफ्तार किया गया, तो जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले सिपाही किसके पास लेके गए, सरदार काहिन हन्ना के पास या सरदार काहिन कैफा के पास? क्योंकि जब हम मत्ती की अंजील बाब नंबर 26 आयत नंबर 57 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सबसे पहले सरदार काहिन कैफा जो था उसके पास लेके गए, लेकिन जब हम यूहन्ना उसका 18 बाब 19 और 24 पढ़ते हैं तो वहां पर सरदार कैफा का नहीं बल्कि सरदार हन्ना का जिक्र है, सरदार काहिन हन्ना का जिक्र है कि सरदार काहिन हन्ना के सामने लेके गए सबसे पहले। तो ये कंट्रोडक्शन यहाँ पर मानी जाती है कि पहले किसके पास लेके गए, लेकिन यहाँ पर कंट्रोडक्शन नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि मत्ती ने, मरकस ने, लूका ने और यूहन्ना ने, इन सबों ने जो बातें इनको नज़दीक लगी इन्होंने उन बातों को लिखा जो इनके करीब थी, जो इन्होंने जिन बातों को नज़दीक अपने समझा इन्होंने उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करते गए, जैसे कैमरे में कैप्चर करते हैं उसी तरह से। तो इसी तरह से जब मत्ती ने सरदार कैफा के बारे में लिखा क्योंकि इसको ये नज़दीक लगी, और यूहन्ना ने सरदार अन्ना के बारे में, तो यहाँ पर कंट्रोडक्शन कोई नहीं है। लेकिन जब हम इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो हम तमसील पूरे वाजह तौर पर इसको समझ सकेंगे। वो इस तरह से आप पूरे वाक्य को समझते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें जब हम पूरे वाक्य को पूरी तफसील से समझेंगे
तो हमें कोई भी कंट्रोडक्शन नजर नहीं आएगी इसमें, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं समझते हुए तो तब हमें समझ आता है कि कंट्रोडक्शन तो इसके अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन जब हम इसको समझने के तौर पर नहीं पढ़ते तो फिर हमारे अंदर हजारों सवाल आता से पैदा हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इसको पूरे जो वाक्या जैसे गुजरा उस अंदाज में हम इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। शुरू करते हैं यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 18 और आयत नंबर 19 से। जब यीशु मसीह को पकड़ा, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके तो सबसे पहले सरदार काहिन जो हन्ना था उसके पास ले जाया गया, और जब यूहन्ना जब सरदार काहिन हन्ना के सामने पेश किया गया तो यीशु मसीह ने यहाँ पर उससे सवाल पूछा कि तू अपने शागिर्दों और अपनी तालीम के बारे में बता। लेकिन यीशु मसीह ने आगे से जवाब दिया कि तो उन लोगों से पूछ जिनको मैंने तालीम दी है, यानी कि मैंने तो दुनिया के सामने, सारी दुनिया के सामने तालीम दी है, यहाँ तक कि हैकल में और इबादत खानों के अंदर मैंने तालीम दी हुई है, तो जिन लोगों को मैंने बताया है तो उनसे पूछ, मुझसे क्यों पूछता है, तो उनसे पूछ। जब यीशु मसीह ने ऐसी बात कही तो एक जो सरदार काहिन का प्यादा था उसने यीशु मसीह को चिमाटा दे मारा, और जब ऐसा हुआ तो उसने कहा कि तू हमारे सरदार काहिन के सामने ऐसा बोलता है। तो फिर यीशु मसीह को जब ऐसा हुआ तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं यहाँ पर अगर मैं सच बोलता हूँ तो तू मुझे क्यों मारता है। तो जब ऐसी बात कही तो फिर 24वीं आयत में सरदार काहिन हन्ना जो था उसने कहा कि इसको सरदार काहिन कैफा के पास ले जाऊँ, यानी कि पहले हन्ना के पास ले जाया गया, यूहन्ना ने उससे चंद सवाल पूछे और फिर उसके बाद उसने सरदार काहिन कैफा के पास भेज दिया। लेकिन यहाँ पर यह बात कही जाती है कि एक टाइम में एक ही सरदार काहिन हो सकता था, दो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जब जो यहूदियों की अदालत थी सनहेड्रिन, तो वहाँ पर जो 71 बुजुर्ग बैठते थे उन पर एक हाकिम होता था, उसको सरदार काहिन कहा जाता था, जो पूरी हैकल को जो उनके अदालत होती थी उस पर सब पर सरदार होता था वो, उन 71 को चलाने के लिए, जिस और उसका नाम जो होता था उसका जो होता था सरदार काहिन का होता था, लेकिन वो चलाने के लिए एक ही होता था। लेकिन उस वक़्त दो थे, क्योंकि इसका हमें हवाला कहाँ पर मिलता है, जब हम लूका की अंजील और उसका बाप नंबर 3 और आयत नंबर 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस वक़्त यीशु मसीह के दौर में हन्ना और कैफा ये दोनों सरदार काहिन थे। और फिर उसके बाद इसका हवाला हमें अमाल की किताब और उसका 4 बाप और उसकी 5 और 6 आयत में भी हमें मिलता है कि उस वक़्त दो सरदार काहिन थे, यानी एक कैफा और दूसरा हन्ना था। तो ये दो सरदार काहिन होते थे तब यीशु मसीह के दौर में। तो इस तरह से जब हम पूरी डिटेल से इसको पढ़ते हैं तो हमें कहीं पर भी कोई भी कंट्रोडक्शन नहीं नज़र आती, बल्कि जो वाक्या जैसे गुजरा है पूरा उसको जो मत्ती को नज़दीक लगा मत्ती ने वो बयान किया, जो मरकस को नज़दीक लगा वो मरकस ने बयान किया, जो लूका को नज़दीक लगा वो लूका ने बयान किया, और जो यूहन्ना को नज़दीक लगा वो यूहन्ना ने बयान किया। तो इसी तरह से जब इस वाक्य की बात होती है तो जब यूहन्ना ने बयान किया तो यूहन्ना ने इसको पूरी डिटेल से बयान किया है, यानी कि पूरा वाक्य बताया है कि ये कैसे कैसे हुआ। तो इसलिए क्योंकि मत्ती ने इसको शॉर्ट में बताया है, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो मत्ती में फुल बताई गई हैं और मरकस में शॉर्ट और यूहन्ना में भी शॉर्ट, तो इस तरह से किसी ने पूरा वाक्य बयान किया है, किसी ने आधा बयान किया है और किसी ने बिल्कुल शॉर्ट बयान किया है। लेकिन हम जब भी ऐसा कहीं पर मौका नज़र आए या ऐसा वाक्य नज़र आए तो हम खुद सीक्वेंस को जमा कर तो इसको समझ सकते हैं कि ये पूरा वाक्य जो है वो किस तरह से गुजरा होगा, क्योंकि कंट्रोडक्शन हमें नहीं यहाँ पर कुछ भी नज़र आती है ऐसी जब हम इसको समझने की गरज से पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई कंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि ये बिल्कुल समझने जब हम समझ के पढ़ते हैं और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए पढ़ते हैं और समझते हैं, तो फिर हमें साफ और क्लियर समझ में आता है
और कोई भी किसी किस्म की यहाँ पर कंट्रोडक्शन नज़र नहीं आती है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।